मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस प्योर साइंस प्रिंसिपल्स, जो साइंस जो आप सब्जेक्ट करते हो उसमें भी प्रिंसिपल्स होते हैं, तो क्या डिफरेंस है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में एंड प्योर साइंस प्रिंसिपल्स में? बेटा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं बहुत ज्यादा, मतलब हम उनमें चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन जो प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं बेटा वो रिजिड होते हैं. रिजिड मीन्स उनमें चेंजेस नहीं लाए जा सकते. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड विद क्रिएटिविटी. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए आपको क्रिएटिविटी की जरूरत है. मतलब एक मैनेजर को ये पता होना चाहिए कि ये वाला प्रिंसिपल तो है, इसको मैं और अच्छा कैसे अप्लाई कर सकता हूँ. इम्प्लीमेंटेशन की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है. लेकिन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में आपको कुछ चेंजेस करने की नीड नहीं है, वो स्टैटिक मैनर में अप्लाई होते हैं और एब्सोल्यूट मैनर में अप्लाई होते हैं. उसमें हमें चेंजेस कुछ नहीं करना होता है, उसमें क्रिएटिविटी की कोई जरूरत नहीं होती बेटा उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए. बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में योर क्रिएटिविटी इज रिक्वायर्ड. नेक्स्ट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हाउस टू कीप पेस विद चेंजेस इन द एनवायरमेंट. मैनेजमेंट प्रिंसिपल से हम क्या करते हैं, हम चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ मेंटेन करते हुए अपने आप को चलते हैं. लेकिन साइंटिफिक प्रिंसिपल बेटा टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, ठीक है. साइंटिफिक प्रिंसिपल सेम ही रहते हैं, तो साइंटिफिक प्रिंसिपल डू नॉट चेंज विद टाइम, वेयर एज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डायनेमिक इन नेचर. दे नीड टू बी चेंज ऑन टाइम टू कीप द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोइंग.